गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर क्लास सिक्स गणित में। और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.5। चैप्टर का नाम तो आपको मालूम ही है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जैसे आपको आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निम्न भिन्नों को योग या घटाने के रूप में, घटाने के उचित रूप में लिखिए। ठीक है, यानी कि आपको एक चित्र दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, उनमें आपने देखना है कि कौन कौन से भिन्न हैं और फिर ये देखना है कि उनके बीच घटाव आएगा या जोड़ का चिन्ह आएगा। तो जैसे कि आपको ए पार्ट में दिख रहा है कि इसको अगर मैं भिन्न के रूप में लिखूं तो भिन्न के रूप में क्या आएगा। ये देखो, इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब कितने खाने बना रखे हैं, 5। और एक पे आपके पास आपको लग रहा होगा कि एक खाने पे क्या कर रखा है, पेंसिल से कलर जैसे कुछ कर रखा है। तो इसका मतलब इसकी भिन्न क्या बनेगी, 1/5। देखिए दूसरी भिन्न क्या है आपके पास, उसके कितने उसमें बॉक्स हैं, कितने पार्ट है उसके, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें भी 5 है जैसे आपको दिख रहा है। और दो भागों पर जैसे इस पे और इस पे क्या कर रखा है, काला क्या कर रखा है, रंग कर रखा है पेंसिल जैसे। तो ये हो जाएगा आपका 2/5। और ये वाली जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे इक्वल का साइन है, बराबर का, यहाँ पे कितने भाग कर रखे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। और काला काला जो निशान है या रंग है वो कितने भागों पे कर रखा है, कितने बॉक्स पे कर रखा है, 3। तो आप क्या कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे 3। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा। देखो 1/5 पे बीच में एक आपको चिन्ह भरना है, चाहे ऋण चिन्ह भरो चाहे धन चिन्ह भरो। ठीक है, लेकिन आंसर देख के भरना पड़ेगा कि आंसर क्या रहा, आंसर ये आपका। ठीक है, एक है 1/5, फिर बीच में आपको कुछ भरना है धन या ऋण, और दूसरी बिना आपके पास 2/5, बराबर क्या है, 3/5। तो आपको अब लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि 3/5 है। ठीक है, तो 5 तो नीचे आपका जो हर है उसमें 5 तो है ही, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 ये है और 1 ये है, 3। तो इसका मतलब जोड़ रहा है, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, धन। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा धन का चिन्ह, क्या आ जाएगा यहाँ पे, धन का निशान क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ धन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये पहला पार्ट इसका समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट है, बी पार्ट में भी आपको तीन चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनको पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंगे और फिर बताएंगे कि इनके यहाँ पे धन आएगा या ऋण चिन्ह आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी भिन्न क्या बनेगी, पहले यहाँ पे कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5। और कलर कितने पे कर रखा है, पेंसिल से 5 पे कलर कर रखा है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, 5/5। यहाँ पे देखिए ये वाली भिन्न क्या बनेगी, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 भाग है, कलर कर रखा है आपके 3 भागों पे, फिर यहाँ पे बराबर का निशान है, फिर इसमें देखिए आप कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। और खाने कितने पे कलर कर रखा है, 2 पे, तो 2 लिख देंगे। अब आपने यहाँ पे देखना है कि धन आएगा कि ऋण आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे धन चिन्ह आएगा या ऋण चिन्ह आएगा। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। लेकिन ये तभी हम इस रूल को लगा सकते हैं जब उनका किसी भी भिन्न का क्या हो, हर क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पे 5 हर है, यहाँ पे भी 5 हर है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जब देखो 5 5 है ना, तभी तो यहाँ पे 5 आएगा उत्तर में, हर में 5 आएगा, ये अंश आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 में से 3 गए तभी तो 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या चिन्ह आ जाएगा आपका, ऋण। देखो 5 में से 3 गए तो क्या होगा, 5 में से 3 गए तो क्या हो जाएगा, 2 आपका बच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यानी कि यहाँ पे आएगा आपका ऋण निशान, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका ऋण। जिसको अपनी नोटबुक में फटाफट से नोट करते रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रिक्त स्थानों को भरिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं पहले पार्ट की ओर। पहला पार्ट आपके पास 7/10 माइनस एक आपको बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे आपने एक भिन्न को भरना है, बराबर 3/10। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों ये है आपके पास 7/10 और यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपने एक भिन्न को भरना है, बराबर कर रखा है 3/10। तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, इस बॉक्स के बीच में। तो आप देखिए यहाँ पे इस भिन्न में 7 है अंश, हर है 10, तो उत्तर में भी हर क्या है, 10 है, और यहाँ पे क्या है आपका अंश में क्या है, 3। तो इसके मतलब हर जब समान हो जाते हैं, और आपको पता है यहाँ पे निशान किसका है, एक घटाने का, ऋण चिन्ह है बीच में, ये देखिए ऋण चिन्ह है,
तो आप क्या करेंगे, सात में से क्या घटाएंगे कि तीन आ जाए, क्योंकि उत्तर में तीन बटे दस है। तो इसका मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, चार बटे दस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सात में से चार जाएगा तभी तो तीन आएगा, सात में से जब चार गया तब तीन आएगा, और दस तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हर में क्या है, दस है। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट इसका सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में देखिए आपके पास पहले से एक बॉक्स है, उसमें आपने एक भिन्न भरनी है और फिर माइनस है तीन बटे इक्कीस बराबर क्या दे रखा है, पाँच बटे इक्कीस। ठीक है, तो ये बॉक्स में आपने देखना है क्या भरना है, इस बॉक्स में क्या आएगा, फिर है माइनस तीन बटे इक्कीस बराबर पाँच बटे इक्कीस। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, आपको खुद सोचना चाहिए कि जब यहाँ पे हर जो है क्या है, इक्कीस है, और अंश जो आपका आंसर आ रहा है उसमें भी हर क्या है, इक्कीस है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा भिन्न आएगी उसका हर भी क्या होगा, इक्कीस ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा अंश में, तो आपको पता है कि किस में से मैं तीन घटाऊँ ये पाँच आ जाए। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि आठ में से जब मैं क्या करूँ, तीन घटाऊँ, तब क्या आ जाएगा, पाँच आ जाएगा। तो आपकी भिन्न क्या बनेगी यहाँ पे, आठ बटे इक्कीस। समझ बात आई। बढ़ते हैं इसके सी पार्ट की और। सी पार्ट है यहाँ पे, बॉक्स पहले से दे रखा आपको भरना है, क्लियर है। तो यहाँ पे सी पार्ट है प्यारे बच्चों, आपके पास एक बॉक्स आपको दे दिया पहले से ही, उसमें आपने एक भिन्न भरनी है, माइनस तीन बटे छ बराबर तीन बटे छ। अब खुद सोचो कि यहाँ पे आपने क्या भिन्न भरनी है इस बॉक्स में, कि उसमें से अगर मैं तीन बटे छः घटाऊँ तो आपको आंसर आएगा तीन बटे छः। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे आंसर में क्या है, हर कितना है, हर छः, हर पे ध्यान दो, हर कितना है छः, और जिस भिन्न को हम घटा रहे हैं उस बॉक्स में से उसका हर भी क्या है, छः। इसका मतलब इसका हर भी पक्का क्या होगा, छः ही होगा, छः छः छः, तभी तो बराबर आएगा। अब आपने यहाँ पे क्या रखेंगे आप, कि जिससे कि उसमें से तीन घटाएंगे तो तीन आ जाएंगे। तो आपको पता है कि किस में से मैं तीन घटाऊँ कि तीन आ जाए, कुछ सोचो। तो इसका मतलब आपको लगेगा यहाँ पे कि अगर मैं छः में से तीन घटाऊँ, देखिए यहाँ पे छः में से जब तीन जाएगा तभी तो तीन आएगा, तो छः में से तीन गए तीन, और यहाँ आ जाएगा आपका छः छः छः, यहाँ पे हर जो है तीनों ही समान हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका बॉक्स में भरेंगे आप छः बटे छः, ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं इसके डी पार्ट की ओर। डी पार्ट है प्यारे बच्चों, बॉक्स आपको दे रखा है पहले से ही, और फिर प्लस कर रखा है, धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह है पाँच बटे सत्ताईस, पाँच बटे क्या है सत्ताईस, बराबर क्या दे रखा है, बारह बटे सत्ताईस। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये सत्ताईस है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उत्तर है उसका हर भी कितना है, सत्ताईस है, और जिस भिन्न को आप जोड़ रहे हैं उसका हर भी कितना है, सत्ताईस है। इसका मतलब यहाँ पे जो भरेंगे आप, वहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब उसका हर भी क्या होगा, सत्ताईस ही होगा। अब आपने देखना है कि यहाँ पे मैं क्या भरूँ अंश में, कि जिसको मैं पाँच उसमें जोड़ूंगा तो मेरे को उत्तर मिलेगा बारह, क्योंकि आंसर में क्या है, उत्तर में क्या है, बारह बटे सत्ताईस है। तो सत्ताईस तो आपने चेक कर लिया कि हाँ भाई, जिसको हम बॉक्स के अंदर बनेंगे उसका हर भी क्या होगा, सत्ताईस होगा। लेकिन अंश क्या होगा, अंश होगा कि अगर आप क्या किस में पाँच जोड़ेंगे कि बारह आएगा, तो इसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कि सात, क्योंकि जब मैं सात में पाँच जोड़ूंगा तभी तो मेरे को बारह मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, कि हमने इन कैसे इन दो क्वेश्चनों को किया था। चलिए फटाफट से हम इसी एक्सरसाइज का मैं आपको दूसरा भी क्वेश्चन करा लेता हूँ, हल कीजिए एक बटा अठारह प्लस एक बटा अठारह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला पार्ट मैं ले देता हूँ, एक बटा अठारह प्लस एक बटे अठारह को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, आपको सोचो। अभी आपको मैंने समझाया था कि अगर हर किसी भी भिन्न का अगर हर समान है तो आंसर भी आपको अठारह ही लिखना, क्योंकि तीनों तब समान हो जाते हैं। चाहे अगर आपको यहाँ पे अठारह भरना पड़ता, अगर यहाँ पे अठारह देता पहले से दिया हुआ, यहाँ पे अठारह, यहाँ पे नहीं दिया होता तो आपको यहाँ पे अठारह, यानी कि बैलेंस करना है बिल्कुल बराबर, अठारह अठारह अठारह, अगर जोड़ना हो या घटाना हो, घटाने में भी है। लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि अगर यहाँ पे जोड़ का निशान है तो एक प्लस एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब दो, जोड़ आप तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दो बटे अठारह। कर लिया होगा आपने, समझ में आ गए हो, क्योंकि मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था चौथा वाला उसमें भी ऐसे ही था, और जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो भी ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इसका फटाफट से अगर समझ में कम आया तो अभी आप इसका बी पार्ट चेक कर लीजिएगा, इनको नोट करते रहिए अपनी कॉपी में फटाफट से। बी पार्ट है आपके पास आठ बटे पंद्रह धन तीन बटे पंद्रह। तो अब प्यारे बच्चों बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख रहे हैं कि दोनों भिन्नों का जो हर है पंद्रह है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उसका भी हर पंद्रह ही आएगा,
क्यों? क्योंकि दोनों समान है, इसलिए मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे निशान किसका है? धन का है, तो इसका मतलब आपका जोड़ है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 3 11, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका 11/15। तो आपने देखा आंसर फटाक से मैंने निकाल दिया 11/15। उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं फटाफट से सी पार्ट की, और सी पार्ट है यहाँ पे 7/7 - 5/7। तो आपको पता है यहाँ पे भी हर 7 है, यहाँ पे भी 7 है, इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें भी हर कितना आएगा, 7 ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पे निशान किसका है? ऋण निशान है, तो आप 7 में से 5 को बटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा, तो 2/7 ही आपका आंसर हो जाएगा। फटाक से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं डी पार्ट की, और डी पार्ट है यहाँ पे 1/22। क्या है? 1/22 है प्लस 21/22। अब आपको पता है जो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर भी 22 है, यहाँ पे भी 22 है, तो आंसर वाला हर भी 22 ही होगा। अब यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 1 है, दोनों के बीच में जोड़ है, तो इसका मतलब 22/22। आप 22 में से 22 काट सकते हैं एक बार, क्योंकि दोनों जब काटेंगे तो एक ही बार जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बढ़ते हैं ई पार्ट की, और ई पार्ट में है आपके पास 12/15 - 7/15। कितना है? 12/15 - 7/15। तो आपको पता है यहाँ पे कि दोनों भिन्नों का जिनको हम घटा रहे हैं उनका हर कितना है? 15 है, समान हर है, तो आंसर का हर भी 15 ही आएगा। अब यहाँ पे घटाने का साइन है, तो आप 12 में से 7 को घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 5/15। ठीक है, अब चाहे इनको काट दीजिए, आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 5 का पाड़ा पड़े 5 एकम 5, इसमें भी 5 का पाड़ा पड़े 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/3। चाहे तो आप 5/15 भी आंसर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर क्या होगा आपका 1/3। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।